Massi, 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 yo. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की इस साल की रिलीज होने वाली पठान और आप जवान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में जिस तरह की हिस्टोरिकल कमाई की है वो इंडियन इतिहास के पहले ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिनकी दो फिल्मों से मिलाकर दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म जवान के 12 दिनों की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले हैं ये फिल्म आज किन किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन दोस्तों आप अगर शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको शाहरुख खान डबल रोल में नजर आए हैं। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, सुनील ग्रोवर ने इस फिल्म को काफी अच्छा काम किया है। बजट इस फिल्म के 250 करोड़ रुपए है कि सिर्फ इंडियन में 5500 स्क्रीन पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था। तो वही फिल्म ने बॉलीवुड इतिहास की ओवरसीज यानी 78 देशों में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म बनी है और इस फिल्म ने 4500 स्क्रीन ओवरसीज में ले ली। यही वजह रही है कि यह फिल्म 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड नंबर बन चुकी थी और सभी को पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की, क्योंकि अपनी रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की ये फिल्म ऑडियंस की तरफ से ब्लॉकबस्टर माना जा रहा था, तो इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यहाँ जहां 75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन पार किया, तो यहीं फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली बॉलीवुड हिस्ट्री की पहली ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले। शाहरुख खान एक्शन नयनतारा के साथ उनकी केमिस्ट्री और दीपिका का कैमियो भी ऑडियंस को पसंद आया। साथ ही साथ सुपरस्टार संजय दत्त ने भी इस फिल्म को कॉमेडी अपने टाइमिंग से भी दिल जीता है, ऑडियंस इस फिल्म को एंजॉय कर रही थी। वहीं दोस्तों कल अपने दूसरे संडे में इस फिल्म ने एक बार फिर से ऐतिहासिक कमाई की और सिर्फ इंडिया से नहीं फिल्म ने जो कलेक्शन है वो 35 करोड़ रुपए का आंकड़े टच करने में कामयाब रहे हैं। वहीं ओवरसीज के कलेक्शन को मिलाकर यह फिल्म लगभग 60 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 845 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है। ऐसे में यह फिल्म दुनिया भर में जिस तरह की हिस्टोरिकल कमाई कर रही है ये कहना गलत नहीं होगा। शाहरुख खान बॉलीवुड के असली सुपरस्टार, उनकी दोनों फिल्मों को मिलाकर कलेक्शन का टोटल किया जाए तो इन दोनों फिल्मों का कलेक्शन दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी आंकड़े को पार कर चुका है। दोस्तों बता दें ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर अपना सेकंड वन डे यानी कि 12वां दिन पूरा होने जा रहा है और अगर आज एडवांस और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो आज की ये फिल्म जो एडवांस है वो ऑफिस पर 2,80,00,000 रुपए की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म का 12 से 18% की है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज लगभग 28 से 30 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है जिसके कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 860 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके होंगे। जबकि ये फिल्म आज जो कलेक्शन है वो अगर इस तरह की कमाई तो ये फिल्म 1300 करोड़ रुपए क्लब में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शामिल हो जाएगी और बॉलीवुड की पहली 600 करोड़ी और 650 करोड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बन जाएगी। आपको क्या लगता है शाहरुख खान की यह फिल्म 7 बॉक्स ऑफिस पर बार बार कितने रिकॉर्ड को तोड़ेगी और आपको डंकी से क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।